मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ई क्लास ऑफ सेंट जोसेफ एकेडमी। दिस वीडियो इज फॉर क्लास एलकेजी सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, जैसे कि हमने अपनी सेकेंड वीडियो के रिवीजन में आपको खाली स्थान भरो का रिवीजन कराया था, आज फिर से हम एक बार खाली स्थान भरो का रिवीजन करेंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पर क के बाद एक बॉक्स में खाली स्थान छोड़ रखा है, गा लिखा है, फिर एक बॉक्स को खाली छोड़ा है, तो हमको क्या करना है, इनको फिल करना है। तो हम इसको क व्यंजन के बाद क्या आता है, क के बाद खा, तो खाली बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, ख। ग, ग व्यंजन के बाद क्या आएगा, घा। तो हमारी लाइन पूरी हो गई है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घा से घर, अना खाली। अब हम सेकंड लाइन पूरी करेंगे, च से चम्मच, चम्मच के बाद छ से छतरी, जा से जग के बाद क्या आएगा, जा से झंडा, अया खाली। फिर से हम पढ़ेंगे, छ से चम्मच, छ से छतरी, जा से जहाज, जा से झंडा, अया खाली। ट से टमाटर, ठा से ठेला, ड से डमरू, ढा से ढक्कन, न खाली। त से तरबूज, था से थर्मस, द से दवात, धा से धनुष, न से नल। पा व्यंजन के बाद क्या आएगा, फांसी फल। बाबस के बाद क्या आता है बच्चों, भासी भालू, मासी मछली, यासी यज्ञ, रासी रस्सी, लासे लट्टू, वासी वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सेब, हा से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। यानी कि ये हम आपको पहली वीडियो में इसका हम रिवीजन करा चुके हैं। बच्चों, आज हम आपको रिवीजन कराएंगे, तो सबसे ऊपर क्लास वर्क लिखेंगे, फिर ऊपर की तरफ हम रिवीजन वर्क लिखेंगे। तो रिवीजन की स्पेलिंग क्या होती है, आर ई वी आई एस आई ओ एन। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आर बिंदी डब्ल्यू। फिर जिस डेट में आप यहाँ पे रिवीजन वर्क मैम कराएंगी, उस डेट को आप यहाँ पे लिखोगे। फर्स्ट लाइन में टॉपिक डालेंगे, अक्षर जोड़कर लिखो,
बच्चों ये वाला टॉपिक हम पहले भी आपको करा चुके हैं, आज फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे। आज हमने कुछ शब्द ऐसे लिए हैं जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, पहले इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ओके, सेकंड लाइन में वन डालेंगे और इन व्यंजनों को पढ़ेंगे। के बे कब, तो हमें इसको जोड़ के लिखना है के। सबसे पहले हमारा क्या लिखा है के, और फिर हमने इसको बनाया वे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है ब। बच्चों अगर आपने यहाँ पर व लिखा तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको प्रॉपर इसमें लाइन खींचनी है तब ये बा बनेगा। तो ये बन गया के बे कब। नंबर टू पे क्या है, थे ने थन। अब हम इसको जोड़ेंगे थे ने, तो ये क्या बन गया थे ने धन। नंबर थ्री पे ख। अब ये देखो बच्चों, रे वे, कुछ बच्चे ख को ऐसे लिखते हैं तो ये आपका गलत है। देखो इसको पढ़ो क्या बनता है, रे वे, तो इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है पहले। तो ये बन गया खे ते, तो ये बन गया खे ते खत। नंबर फोर पे क्या है, वे ने, तो हमने सबसे आगे लिखा वे, फिर बाद में लिखा ने, तो ये बन गया वे ने, वे ने वन। नंबर फाइव पे डे रे डर। ये देखो बेटा अणे खाली नहीं है, ये ड से डमरू है, तो हमको यहाँ पे ड से डमरू लिखना है और यहाँ पे रा से रस्सी, तो ये बन गया डे रे डर। नंबर सिक्स पे ढे, अगर आपने इसकी टेल बना दी यानी कि इसको नीचे से लगा दिया तो ये द से दवात हो जाएगा, जो कि गलत होगा क्योंकि हमने आपको कौन सा व्यंजन दिया है, ढा से ढक, तो आपको ढा से ढोलक ही लिखना है और इसके आगे लिखना है क से कबूतर, तो ये बन गया ढे के ढक। अदरवाइज अगर आपने इसको दे बना दिया तो ये बन जाएगा दे के धक, जो कि रॉन्ग होगा। नंबर 7 हमारा लास्ट का व्यंजन है चे ले चल, तो ये क्या बन गया चे ले चल। इनको एक बार फिर से पढ़ेंगे, के बे कब, थे ने थन, खे ते खत, वे ने वन, डे रे डर, ढे के ढक, चे ले चल। बच्चों अब हम चित्र पहचान कर
नाम लिखो कर रिवीजन करेंगे। टे बेटब, घेरे घर, जय गे जग, वे ने वन, खेत देखत, ने ले नल, है ले हल, बे से बस, फे ले फल, रे थे रथ। चलो बच्चों, अब हम मेरा बस्ता नामक कविता का रिवीजन करेंगे, यानी कि इसको हम फिर से पढ़ेंगे। देखो, मुझसे भारी मेरा बस्ता, कर दी मेरी हालत खस्ता, इसे उठाकर चलना मुश्किल, सभी पुस्तकें पढ़ना मुश्किल, कोई मेरी टीचर को समझाए इसको कुछ हल्का करवाए। फिर से एक बार पढ़ते हैं। मेरा बस्ता, मुझसे भारी मेरा बस्ता, कर दी मेरी हालत खस्ता, इसे उठाकर चलना मुश्किल, सभी पुस्तकें पढ़ना मुश्किल, कोई मेरी टीचर को समझाए इसको कुछ हल्का करवाए। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। लर्न इट एंड रिवाइज इट एट योर होम रेगुलरली।